आपके ठीक लाभ भाव पर, आपके इनकम भाव पर ही केतु देवता पिछले 15 महीने से घात लगा करके बैठे हैं और आज वो समय आ गया है जब इन्हीं केतु के द्वारा हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कैसे लाभ की प्राप्ति होगी और क्या क्या आपको अभी तक प्राप्त हुआ, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपका जन्म धनु लग्न पे हुआ है तो आप इसे लग्न के आधार पर देखिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस स्थिति में आप इसे धनु राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ध्यान होगा आपको 12 अप्रैल 2022 का वो दिन, जिस दिन यही केतु देवता आपके एकादश भाव पर इनका गोचर हुआ था। एकादश भाव पर गोचर आना और तब से लेकर के आज तक का समय कोई बहुत अच्छा नहीं, बीच बीच में कभी अच्छा फल भी मिला, कभी बुरा फल भी मिला। लेकिन अभी जो 3 महीने होने वाले हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने, ये शायद आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपके केतु देवता आपके इनकम हाउस पर ही, आपके इच्छाओं की पूर्ति भाव पर ही अंशात्मक रूप से इनका बल कमज़ोर हो गया है। माना जाता है कि यदि हमारे पॉजिटिव जो ग्रह हैं वो जितने बलवान हों उतना हमारे लिए अच्छे हैं, और जितने नेगेटिव ग्रह हैं वो यदि निर्बल पड़े तो हमारे लिए अच्छा है। क्या होने वाला है इस वीडियो को आप दो भागों में समझ पाएंगे। पहला हम अभी आपको बताने वाले हैं क्या क्या आपको प्राप्त हुआ अभी 15 महीने में, और दूसरा आप जान पाएंगे कि अभी आगामी जो 3 महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें आपको क्या प्राप्त होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, जैसे ही केतु देवता यहाँ पर आए तो पिछले 15 महीने से यहाँ पर हैं, लाभ के भाव पर आए हैं, तो जितना हमने मेहनत किया उसके अनुरूप लाभ न मिल पाना, पहला आप ये बात समझिए। इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर ये गोचर कर रहे हैं केतु देवता पिछले 15 महीने से, मतलब जो जो हमने इच्छाएं की वो सब इच्छाएं हमसे दूर चले जाना, या फिर अगर प्राप्त हुआ भी तो उस स्थिति पर नहीं जिस स्थिति पर हम चाहते थे। कोई भी इच्छा आप देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं रुकावट, बाधा और समस्याओं का सामना करना पड़ा जब जब आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर बात की। केतु देवता इनकम भाव पर से, इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, इनकी 3 दृष्टियों में होते हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। माना जाता है ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कि इनकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ती हैं वो स्थान भी कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। कहाँ पड़े हुए हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, इनकी 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 3रे भाव पर, 1, 2, 3 धनु लगन धनु राशि से ठीक 3रे भाव पर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई पराक्रम भाव पर केतु की दृष्टि है, मतलब हमने साहस तो किया, हमने पराक्रम तो दिखाया, मेहनत तो किया, परंतु प्रतिफल न मिल पाना, ये प्रथम। दूसरा, कई लोगों को ये समस्या भी हो सकती है कि हमारा कॉन्फिडेंस इस समय पर थोड़ा सा डाउन पड़ा हुआ है। एक समय होता था कि हम जो बोल दिए वो कर लेते थे, एक समय होता था हमने जो किसी को बोल दिया सामने वाले को करना पड़ता था, लेकिन अभी वो हमारे व्यक्तित्व में, वो कॉन्फिडेंस में हमारी कुछ कमी की संभावना केतु देवता यहाँ पर प्रदर्शित किए। जो लोग कंपटीशन एग्जाम में हैं उनको भी अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। आपके स्वयं व्यापार या कर्म क्षेत्र में भी आपके कंपटीटर इतने बढ़ गए कि आपके पास वो योग्यता होते हुए भी वो फल प्राप्त ना हो पाना, ये सब कुछ हमको केतु के नेगेटिव प्रभाव से देखने को मिला। साथ ही साथ इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो सीधे आपके 5म भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहु देवता विद्यमान है। मतलब राहु और केतु दोनों का प्रभाव इस भाव पर आया, मानो कि हमारे निर्णय क्षमता में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाना। हमने बहुत से निर्णय लिए हैं पिछले 15 महीने में, लेकिन उन हमारे निर्णयों का कोई समुचित रूप से लाभ न मिल पाना, कोई ऐसे डिसीजन हमने ले लिए जिनका हर्जाना आज तक हमें भुगतना पड़ सकता है। ये सब कुछ यहाँ पर लेके आए केतु देवता। यही आपके संतान भाव है, संतान संबंधी कोई चिंता है तो समझिए यहाँ पर ये भी आपको केतु देवता के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। हमारी एजुकेशन भी 5म भाव है, इस एजुकेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी रुकावट और बाधा की स्थिति। सिर्फ यही नहीं, इनके पास एक और दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 9वीं दृष्टि से सीधे ये देख रहे हैं आपके 7म भाव को। 7म भाव हमारा व्यापार, 7म भाव हमारा करियर, 10म भाव से 10म भाव होने के कारण 7म भाव ही आपका करियर बनता है।
अब कैरियर में ग्रोथ कहाँ से आए भाई? यदि आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की अनुकूलता है तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा केतु देवता यहाँ पर कैरियर में कहीं ना कहीं रुकावट की बात कर रहे हैं। कैरियर में रुकावट का मतलब आप यही समझिए, जितना हमने अपना एफर्ट लगाया उसके अनुसार हमें प्राप्त ना होना, जितना हमने दिन रात मेहनत किया उसके अनुसार हमें प्राप्त ना हो पाना, जितने हम काबिल हैं, जितने हम योग्य हैं, अपनी योग्यता के अनुसार हमें पारिश्रमिक न मिल पाना, ये सब हमारे सप्तम भाव पर केतु के प्रतिफल को आप जान सकते हैं। सप्तम भाव ही आपका दाम्पत्य स्थान भी है, इसलिए पति पत्नी के मध्य भी पारिवारिक दृष्टिकोण से इसे बहुत उत्तम नहीं मानेंगे। बहुत से कन्या और बहुत से लड़के ऐसे भी हो सकते हैं जिनके विवाह में इन्होंने बाधा उत्पन्न किया या वैवाहिक जीवन को इन्होंने बाधित किया। तो अब क्या होगा भाई, क्या अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में कोई अच्छा परिवर्तन होने वाला है, क्या कोई अच्छा फल मिलने वाला है इन केतु के द्वारा? तो हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इस समय पर यही केतुदेव, जब आज ये वीडियो हम बना रहे हैं तब यही केतु 4 डिग्री पर है। माना जाता है ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री पर हो तो इसे बाल अवस्था माना जाता है। इनके पास बल देने की जो क्षमता होती है, इनके पास जो शक्ति होती है, वो मात्र 25% की होती है। तो इस हिसाब से केतु देवता हमारे 25% का फल देंगे। अभी तक ये पूरे 100% का फल दे रहे थे, बीच बीच में ये कई बार ऐसा भी समय आया जब जब ये 0 डिग्री पर, 0 से 6 डिग्री पर आए, तब तब भी हमें वो पॉजिटिव फल देखने को मिला था। शायद इसी कारण आपको लगा कि हमने बहुत परिश्रम किया, फल नहीं मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में इस पिछले 15 महीनों में कोई कोई समय ऐसा भी आया जिसमें भाग्य ने आपका साथ दिया, और आज के डेट पे फिर वही समय आ गया है। शायद भाग्य के कारण ही, हमारे भाग्य विधाता ने ही कुछ ऐसा फल ही हमारे सामने ला रखा है। केतु देवता 3 महीने, अब ये 25% के फल देंगे, मतलब 75% हमें लाभ मिलेगा। और बाधाएं कितनी प्रतिशत रहेगी? हाँ भाई, 25% तो बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि केतु देवता का रहना तो यहाँ पर ही है ना, वो यहाँ है और 25% का उनको बल देना ही है, फल देना ही है। तो इस कारण से 25% आपको नेगेटिव फल अभी भी मिलेंगे केतु देवता के। लेकिन ये तो मानिए कि 75% यदि आपको उस भाव से जुड़ा हुआ लाभ मिल जाए तो कितना होता है। 75% यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो ये मानिए कि साक्षात भगवान की कृपा है, और 25% तो हमें अपने जीवन में लेकर के चलना ही पड़ता है, कोई ना कोई समस्या परेशानी, चाहे कितने भी अच्छे ग्रह संयोग हो। कुल मिलाकर के समय अनुकूल अच्छा क्या होगा, एकादश भाव पर लाभ का स्थान है, इसलिए लाभ की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। जो हम देखिए, लाभ कहें कहाँ से आएगा, कोई बारिश नहीं होगी, हम हमेशा बोलते हैं, कोई छप्पर फाड़ के धन नहीं मिलेगा। लाभ की संभावना को ये समझना है, लाभ हमारे कर्मों से आएगा, लाभ हमारे मेहनत से आएगा। हाँ, जहाँ पर आपको लगता था कि मेरे मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिल रहा है, देख लीजिए मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने का एक संयोग यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। एकादश भाव वो स्थान हो गया जो हमें सामाजिक दायरों से जोड़ता है। इस टाइम पर समाज से जुड़ करके जो लोग कार्य करेंगे उन्हें भी इस समय पर लाभ होगा। केतु देवता यहाँ से अभी निर्बल बने हुए हैं, बाल अवस्था के हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, अर्थात यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के धन लाभ, आर्थिक लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का लाभ, ये सब कुछ आपके केतु देवता आपको प्रदान करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इनके पास पंचम दृष्टि आपके तीसरे घर पर है, आपका साहस इस समय पर काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। और माना जाता है जिनका साहस बढ़ा है, जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, अक्सर उन्होंने ही अपने मंजिल को प्राप्त किया है। एक ध्वजा लहराने का कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर आपके साहस बहुत अच्छे होंगे। और माना जाता है यदि अच्छे क्षेत्र पर हमारा साहस जाए तो सफलता 100% सुनिश्चित हो जाती है। केतु के पास एक दृष्टि है आपके पंचम भाव को लेकर के, तो पंचम भाव से संबंधित सभी एडवांटेज भी हमको प्राप्त होंगे, जैसे कि संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति, संतान होने में यदि बाधा है तो वहाँ पर अच्छा प्रतिफल मिल सकता है, संतान के कैरियर के लिए अच्छा हो सकता है। यही भाव आपके शेयर मार्केट इत्यादि हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। पंचम भाव हमारे स्वयं के एजुकेशन है, हमारे स्वयं की शिक्षा है, तो हो सकता है जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस फील्ड से भी आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप एक अच्छा मानसिक रूप से आप मजबूत हो सकते हैं, आप ये मानिए। पंचम भाव ही हमारे प्रारब्ध का प्रतिफल भी देता है, तो इस टाइम पर प्रारब्ध का प्रतिफल 75% आपको लाभ के रूप में मिलेगा, आप ये समझिए।
सिर्फ यही नहीं, इनके पास एक दृष्टि आपके सप्तम में है। भाई सप्तम में जब दृष्टि आ गई है और 75% आपको छूट मिल गया है, इसका मतलब आपके बाधा 75% नहीं रहे। करियर में किसी, आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं या प्रोफेशनल किसी कार्य में हैं, ये समझिए कि अभी भगवान के द्वारा प्रदत्त ये समय है। इस 3 महीने में शायद कोई बहुत अच्छा हमारे करियर में परिवर्तन आ सकता है। जहाँ पर बाधा की स्थिति बनी हुई थी, रुकावट की स्थिति बनी हुई है, शायद वहाँ पर परिवर्तन काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। कौन परिवर्तन लाएगा? परिवर्तन कोई नहीं लाएगा, परिवर्तन आप स्वयं लाएंगे। और आपने जो अपने इष्ट को ध्यान किया है, जो सुमिरन किया है, वो प्रतिफल आपको प्रदान करेंगे। और जब माना जाता है, जब हमारे कर्म और हमारे भाग्य इन दोनों का संयोग बन जाता है, तब वही व्यक्ति शिखर तक पहुंच पाता है। तो आपने जो भगवान पर आस्था रखी है, उसी का शायद प्रतिफल है कि केतु देवता इस समय पर निर्बल हुए हैं। जल्दी से अपने प्रयास को आप सार्थक बनाइए, वो सारे प्रयास कर डालिए। और वो प्रयास भी कैसा कि सिर्फ हम कार्य करते हैं नहीं, हम अपने प्रयास काम करने से पहले ही उन प्रभु पर सौंप दें कि भगवान अब आप जानना मैं यह कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, अब आप समझना आप मुझे तारो या उबारो। देख लीजिएगा, भगवान थाम लेंगे और इसी स्थिति को आपके जीवन पर ला देंगे जो कभी आपने सोचा था, कभी आपने उसे पाना चाहा था। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत सकारात्मक परिवर्तन होता है हमारे हृदय में जब आपके लाइक और कमेंट आते हैं। मानो ऐसा लगता है कि हम कोई अच्छा कार्य किए और आपने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।